नमस्ते, जय जगन्नाथ। आज मैं बनाऊंगी उत्थपम। ये एक साउथ इंडियन डिश है। इसको मैंने घर पे बनाया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसको आप भी इजीली घर में बना सकते हैं। और ये ब्रेकफास्ट बनाने में सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने डोसा बैटर लिया है। इसमें इडली भी बनता है। इसको मैंने घर पर ही बनाया है। और एक ऑनियन को अच्छे से कट कर लिया है, ग्रीन चिली, टमाटर। अभी एक इसके लिए हम मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए 1 स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 स्पून मिर्ची पाउडर, रेड मिर्ची। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। अभी सारा सामान को मैंने एक जगह रख लिया है। चलिए उत्थपम बनाते हैं। उत्थपम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लोहा तावा का यूज किया है। लोहा तावा में ही उत्थपम अच्छे से बनता है। अभी गैस के फ्लेम को मीडियम करके थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर आप घी भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको एक कपड़े के थ्रू पोंछ लेंगे। ये देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। अभी गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और डोसा बटर को तवा में डालेंगे। अभी इसको स्पून के थ्रू राउंड शेप कर लेंगे। मैं यहाँ पर उत्थपम को मीडियम साइज का कर रही हूँ। आप चाहे तो ज्यादा मोटा या फिर ज्यादा पतला भी कर सकते हैं। आपको जैसी भी पसंद है उस टाइप का बना सकते हैं। अभी इसमें ऑनियन डालेंगे, फिर टमाटर, ग्रीन चिली, फिर जो हमने मसाला बनाया था उसको डालेंगे। मसाला को अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड कर दीजिए। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। टमाटर है तो इसीलिए थोड़ा सा ही डाल लीजिए। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और इसको साइड में भी थोड़ा सा डालेंगे, जैसे ये आसानी से निकल जाए। ये देखिए ये कैसे निकल रहा है आसानी से ही। ऐसे ही करिए आप, साइड से ही उसको निकालिए, बीच में से मत निकालिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। फिर इसको दूसरे साइड पलट लेंगे। दूसरे साइड पलट के इसको मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इसको दूसरे साइड पलट लेंगे। ये देखिए उत्थपम अभी रेडी हो गए हैं। इसको अभी हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।